गैंगस्टर प्रिंस खान ने एक बार फिर से वीडियो जारी कर धनबाद पुलिस को खुलेआम चुनौती दी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी प्रिंस खान ने धमकी भरे वीडियो वायरल करके पुलिस प्रशासन को सरेआम चुनौतियां दी है। कई दिनों से फरार गैंगस्टर प्रिंस खान आखिर कहां छुपकर बैठा है, यह अभी तक धनबाद पुलिस को भी पता नहीं चल पाया है। ऐसे में प्रिंस खान का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रिंस खान एसएसपी धनबाद को खुलेआम कश्मीरी बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है प्रिंस खान, सुनिए इस वीडियो में। रहा बात की क्राइम हम कर रहे हैं तो हमको पकड़े, मेरा घर वाला मुझसे हमसे खुद इतना परेशान था, हम अपना घर वाला की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए हम सब त्याग दे दिए, घर द्वार सब छोड़ के हट गए हैं। हम सब किसी से हमको कोई मतलब नहीं है, ना मेरा फैमिली से ना घर से मेरा मतलब है। तो दोबारा से मेरा जैसे फैमिली है, हम अपना फैमिली की वजह से त्याग दे चुके हैं। जो करना आप मेरे साथ कीजिए, मेरे को पकड़िए, एनकाउंटर कीजिए, जेल भेजिए, मेरे साथ कीजिए, हम क्राइम कर रहे थे एसएसपी साहब। कहे कि फहीम खान की बीबी आज से नहीं, कितना सालों से रंगदारी उठा रही है, कितना कोई को उमरवा दी है। लाला खान ने भी सब सेटिंग वही की थी नन्ने के साथ मिलके। तो फहीम खान की बीबी तो जेल नहीं जा रही है, ठीक। मेरी माँ को उठा के आप जेल भेज दिए हैं बेकसूर में, मेरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को बेकसूर में आप जेल भेज दिया। रणधीर सिंह पैसा खा के सबसे पैसा ले रहा है, जेल भेज दे रहा है, जो पैसा नहीं दे रहा उसको जेल भेज दे रहा है। तो दोबारा से ऐसा हो गया, दोबारा से अगर मेरा फैमिली पे एक भी खरोच आया, खास करके हम एसएसपी साहब आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मेरा फैमिली पे खरोच आ गया तो पब्लिक प्लेस में हमें ना कश्मीरी सेफ बरसाएंगे। जब मेरा फैमिली सेफ नहीं रहेगा तो किसी का फैमिली सेफ नहीं रहेगा। पूरा ऐसा ब्लास्टिंग करेंगे ना कि एक बार में 10-10 आदमी मरेगा, और सबका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगा, सरकार नहीं होगा, जिला प्रशासन होगा। फैमिली सबका है, ठीक ना, इसीलिए फैमिली से प्यार देने के लिए अगर फैमिली से कोई मतलब रहता है तब फैमिली पे प्रेशर दीजिए, पता कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए। फैमिली से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मेरा फैमिली को दिक्कत होगा तो बेकसूर लोग मरेगा, उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और ये जो अभी गैस वाला के FIR किया कि पैसा मांगा गया, ये सब फर्जी है। मेरा नंबर है 1,55,50, और हम जिससे भी रंगदारी मांगते हैं 55,50 से मांगते हैं, यही नंबर से कॉल जाता। और हम ये सब व्यवसाय, छोटा मोटा व्यवसाय, नॉर्मल व्यवसाय को, इस सब को हम तंग नहीं करते। हम कोयला चोर लोग को तंग करते हैं, DRM, नगर निगम, लोहा और बिल्डर, और आम व्यवसाय, कोई व्यवसाय से हमको कोई मतलब नहीं है, ना उसको डरने का जरूरत। लोग अपना खुल के धंधा करें, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। रहा बात डॉक्टर का, तो डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है, तो भगवान से लड़ने का शक्ति नहीं है हमरे में। ये सब हम काम नहीं करेंगे। इसमें मेरा नाम उछाला जा रहा था रंजीत सौ वाला में, तो हम आपको गारंटी दे रहे हैं इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और ना हम जान ले सकते हैं आम व्यवसाय का। हमको सिर्फ लोहा चोर, DRM, नगर निगम, बिल्डर जो जमीन से जुड़ा हुआ है, और ये सबसे हमको मतलब है। डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है जी, डॉक्टर भगवान से हम नहीं लड़ सकते हैं। और ये जो अभी अप्सरा ड्रेसेस कंप्लेन किया था, अप्सरा ड्रेसेस से भी पता कर लीजिए आप लोग कि जमीन का मैटर में लाला दिया का है, आते के टाइम में उसे जमीन का पैसा बाकी है 50 लाख, उसको तो हर हाल में मारेंगे अगर पैसा नहीं देगा तो। उससे कपड़ा बेचने का हम पैसा नहीं मांग रहे हैं।